नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर पटना हाईकोर्ट से सामने आई है, जहां पर पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के राजस्व विभाग के द्वारा 1767 आमीन पदों की बहाली के लिए निकाले गए विज्ञापन को रद्द कर दिया। बता दें कि बिहार में कुल 1767 आमीन पद रिक्त हैं और ऐसे में इन पदों के लिए विज्ञापन को पिछले साल यानी साल 2020 में ही जनवरी माह में निकाला गया था। अब इस विज्ञापन को पटना हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है। बता दें कि पटना हाईकोर्ट के जज के द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की गई है, जिसके बाद ये अहम फैसला सामने आया है। क्या कुछ अपडेट आ रही है इस पूरे मामले पर, आइए इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि विज्ञापन रद्द करने का फैसला जस्टिस पीबी बजंथरी ने याचिकाकर्ता रामबाबू आजाद एवं अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि 3 माह में सभी रिक्त पदों को 3 माह में भरने का काम पूरा किया जाए। इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में पक्ष प्रस्तुत करते हुए कोर्ट ने बताया कि जमीन पद पर बहाली के लिए शैक्षणिक योग्यता के लिए जो योग्यता राज्य सरकार के विज्ञापन में प्रकाशित किया गया था, वो प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि बिहार आमीन कैडर रूल में उसके अनुसार उम्मीदवार प्लस 2 उत्तीर्ण होने के साथ साथ अमानत की डिग्री या ITI द्वारा सर्वेयर की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए, जबकि राज्य सरकार के राजस्व विभाग में जो विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता रखी गई थी उसके अनुसार उम्मीदवार को मात्र प्लस 2 ही उत्तीर्ण होना पर्याप्त बताया गया था, जिसके बाद उम्मीदवारों ने राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित इस विज्ञापन को पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करने के लिए चैलेंज किया। कोर्ट ने आज सभी पक्षों को सुनने के बाद इस विज्ञापन को रद्द करते हुए राज्य सरकार को नए सिरे से आमीनों की रिक्ति के लिए 1767 पर बहाली के लिए 3 माह पर नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि इस विज्ञापन को रद्द कर 3 महीने के भीतर अमीन की रिक्त पदों को भरने के लिए नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करे। बता दें कि अमीन बहाली के विज्ञापन रद्द करने से लगभग 1 सप्ताह पहले ही बिहार में दरोगा बहाली पर रोक लगाने के आदेश पटना हाईकोर्ट के द्वारा दिए जा चुके थे, जिसके कारण 2446 पदों पर नियुक्ति का मामला अटक चुका है। कोर्ट ने यह रोक पात्र अभ्यर्थियों के नाम दूसरी सूची से हटाने के बाद लगाई थी। अब अमीन बहाली में जिस तरह से योग्यता को लेकर गड़बड़ी सामने आई है, उसके बाद अब खुद सरकार की योग्यता पर सवाल उठने लगे हैं। बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार के राजस्व विभाग के द्वारा 1767 रिक्त पदों पर आमीन की बहाली को रोक दिया है, मतलब कि इसके विज्ञापन को रोक दिया गया है। अब इसके बाद पटना हाईकोर्ट ने विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए हैं इस बाबत और कहा है कि 3 माह के अंदर फिर से रिक्त पदों पर भर्ती कराया जाए और उसके साथ नए सिरे से विज्ञापन को प्रकाशित किया जाए। बता दें कि विज्ञापन के प्रकाशन को लेकर यह गड़बड़ी का मामला सामने आया, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने इस बाबत नए सिरे से विज्ञापन को प्रकाशित करने का दिशा निर्देश जारी किया है और इसके साथ साथ पुराने विज्ञापन पर रोक लगा दी है। इसके पहले बता दें कि बीते दिनों पटना हाईकोर्ट के द्वारा कुल 2446 दरोगा पदों की नियुक्ति पर रोक लगा दी जा चुकी है, जिसके बाद पटना के बेरोजगार सहित पूरे बिहार जिले के युवा जो बेरोजगार है वो बेहद परेशान हो गए। अब उन्हें नए सिरे से फिर से परीक्षा देनी होगी, नए सिरे से उन्हें फिर से फॉर्म भरना होगा। आपको बता दें कि ये जो दरोगा बहाली रोकी गई है उसे इसीलिए रोकी गई क्योंकि दूसरे सिरे में कई विद्यार्थियों का नाम दूसरी परीक्षा की सूची में नहीं आया था। जो विद्यार्थी ऑलरेडी पास हो चुके थे उनका नाम दूसरी सूची में सामने नहीं आया, जिसके बाद इस गड़बड़ी के कारण पटना हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया और अब पटना हाईकोर्ट ने आमीन की रिक्त पदों के लिए विज्ञापन को लेकर ये बड़ा फैसला लिया है। अब 3 महीने बाद आमीन के रिक्त पदों के लिए नए सिरे से विज्ञापन को प्रकाशित किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, अन्य कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़4नेशन में। नमस्कार।